शारदा तळोदा विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप शिवसेना महायुतीचे उमेदवार राजेश उदयसिंग पाडवी यांच्या प्रचारार्थ आज कार्याध्यक्ष जे पी नड्डा यांची तळोदा येथे आनंद चौकात जाहीर सभा झाली. प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष विजय चौधरी यांनी केले. यावेळी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्या मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. 17th आज महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर खड़ा है शिक्षा में. अब एक बार आप फिर से दबाओगे एक बार तो तीसरे से पहले में आने में देर नहीं लगेगी, इस बात को समझना चाहिए. स्वास्थ्य में महाराष्ट्र छठे पर खड़ा है. अब एक बार बटन दबाओगे तो छठे से छलांग लगा करके सीधे सीधे पहले पर तीसरे पर खड़ा है, छठे से तीसरे पर पहुंचा है, अब पहला पर पहुंच जाएगा, इस बात को हमको समझना चाहिए. 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के कारण. 15 लाख करोड़ के लाखों करोड़ रुपए हाईवे पर खर्च हो रहे हैं. पानी की समस्या, आपका अपना तलोदा का जो नगर निगम है उसको जो पैसा देना था उसको पूरे का पूरा पैसा दिया गया है, इस बात को भी हम आपको बताना चाहते हैं और आगे भी दिया जाएगा, यह भी आपको विश्वास दिलाते हैं. इस इलाके का विकास हो रहा है और आगे किया जाएगा, यह भी हम बताना चाहते हैं. इसलिए मित्रों, चाहे पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, अब बिजली में 18,000 गांव थे जिनको बिजली नहीं थी, 2,50,00,000 लोगों के घरों में बिजली नहीं थी, सबको बिजली पहुंचाई है उजाला योजना के तहत भी और सौभाग्य योजना के तहत भी, गांव गांव बिजली पहुंचाई है. और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हम सब लोग मिलकर के राजेश पडवी जी को जिताए और यहां से अपना योगदान करें, ये मैं कहना चाहता हूं. एक मुझे ध्यान में आया है कि यहां एक अपप्रचार चला है कि आदिवासियों का आरक्षण ले लिया जाए. मैं मित्रों एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से आदिवासी भाई आदिवासी सीट और नॉन आदिवासी सीट पर जीत करके आए हैं, यह हमारा कमिटमेंट है. और ये कांग्रेस के लोग और ये एनसीपी के लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आधे जेल में हो जाएंगे, आधे बेल पर हैं, ईडी के चक्कर लगा रहे हैं, ये कुप्रचार कर रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में और देवेंद्र फडणवीस जी के राज में आदिवासी भाइयों का सदा सदा भला होगा, उनका आरक्षण भी बरकरार रहेगा, उसके साथ साथ नई योजनाएं भी उनके लिए चलाई जाएंगी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं. गांव गांव में जाके बताओ. और मित्रों, इन कांग्रेसियों ने किया क्या, इन्होंने भाई को भाई से बांटा, इन्होंने मुसलमानों को कहा तुम बच के रहो ये तुम्हारे विरोधी है, हिंदुओं को कहा इनके साथ मिलो मत, एक भाई को कहा तुम वार के हो तुम पार के हो, गांव को गांव से झगड़ा लगाया, समाज को समाज से झगड़ा लगाया, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की और सबको अप्रचार करके अपना उल्लू सीधा किया. यह है कांग्रेस की 70 साल की राजनीति. अब ये बेचारे आजकल छुट्टी, अब कोई बोला अच्छे दिन, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन तो अब आने वाले नहीं, इनकी कहानी तो अब जेल और बेल के है. लेकिन ये अप्रचार करना, गलत प्रचार करना, हम 21वीं शताब्दी में खड़े हैं, हमारे आदिवासी भाइयों को कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ाना है, उनको आगे ले चलना है, कैसे हो सकता है इस तरीके की बातचीत. लेकिन ये कभी, अगर है हिम्मत कांग्रेस पार्टी में तो मंच पर आकर के बोले, ये कभी मंच पर नहीं बोलते, ये चुप चुप बोलते हैं और ये गलत तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं. मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इससे गुमराह मत होइए, दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है, नंबर एक का स्टेट होने वाला है, आप भी पूरा योगदान कीजिए, आदिवासी सबसे आगे होगा, इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको पूरा करना चाहिए. मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ एक निवेदन करने आया हूं कि 21 तारीख